हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के लिए प्रधानमंत्री जनसभा करें, देखिए। फिर एक बार साथियों, ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। आप प्रधानमंत्री नहीं चुनेंगे, देश का भविष्य भी चुनेंगे। एक और आपका जांचा परखा सेवक मोदी है और दूसरी ओर कौन है, कोई अता पता ही नहीं है। और हरियाणा के लिए तो मोदी मतलब शायद यहां हरियाणा में आपको कम से कम 5,000 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो दूर से चिल्ला सके, हे मोदी जी जरा रुक जाओ, ऐसे कहने वाले 5,000 लोग मिल जाएंगे। यानी हरियाणा के साथ मेरा जो अपनापन रहा है, हरियाणा ने मुझे जो प्यार दिया है, और इसलिए हरियाणा का अधिकार भी मुझ पर बनता है। चलते फिरते मुझे कह सकता है, हे मोदी जी गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, इतना मेरा आपसे नाता रहा है। और पिछले 10 साल में आपने उस प्यार में कभी कमी नहीं आने दी, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है साथियों। और ये इंडिया अलायंस वालों का हाल तो ऐसा है कि गाय ने दूध दिया नहीं, लेकिन घी खाने के लिए इंडी वालों में झगड़ा शुरू हो गया। अब ये लोग कह रहे हैं हर साल एक आदमी भारत का प्रधानमंत्री होगा, 5 साल 5 PM। आप मुझे बताइए, ऐसे देश चलेगा क्या, चलेगा क्या? और हमारे हरियाणा के लोगों में तो ग्रामीण भाषा में चौपाल में बैठ करके जो ठहाके लेने की ताकत है ना, मुझे पक्का विश्वास है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री 5,000 चुटकुले हरियाणा वाले बना देंगे। साथियों, ये लोग देश को फिर से गड्ढे में धकेलेंगे, नहीं तो क्या करेंगे। साथियों, इंडी गठबंधन के लोग ये घोर सांप्रदायिक है, घोर जातिवादी है, घोर परिवारवादी लोग हैं। अरे वो ताऊ जी को परेशान मत कर रहे भाई, हाँ थोड़ा इधर उधर हो जा रहे। देश की जनता इंडी जमात के इरादे पहले ही भांप चुकी है, इसलिए इनका ये हाल हुआ है। 5 चरणों में ही इंडी जमात का ढोल फट गया है। और आपने देखा होगा, तीसरे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन आंकड़े क्यों नहीं देता है, आंकड़े देर से क्यों देता है, इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों करता है, इलेक्शन कमीशन वैसा क्यों करता है, उधर ईवीएम बंद हो गया, उधर ईवीएम चलता नहीं है, उधर ईवीएम का यानी उन्होंने ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है
कि पराजय का ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाए, और इसलिए बराबर जमकर के इस बार ईवीएम को गालियां दे रहे हैं। हम सब जानते हैं भाई, जिस भूमि में कोई पैदावार न हो, कोई किसान उसमें एक भी बीज डालेगा क्या? जिसमें फसल न हो, ऐसी जमीन पर या ऐसी सीजन में कोई किसान एक भी बीज डालेगा क्या? जब पता है कि इनकी सरकार नहीं बनने वाली तो कोई उधर वोट डालेगा क्या? कोई डालेगा क्या? ये हरियाणा वालों को तो कहने की जरूरत ही नहीं है जी। उसने 500 रुपये ऐसे ही फेंक दिया और कह दिया कि वो आरोपी हो जाएगा। वो आरोपी होने का मतलब क्या होता है वो मोदी ने आकर के बताया। मोदी ने आकर के जब वो आरोपी लागू किया, वन रैंक वन पेंशन लागू किया, उन्होंने 500 रुपया का खेल खेला था, आपकी आंखों में धूल झोंकने का पाप किया था। मोदी ने जब एक्चुअली ओआरओपी लगाया, 1.25 लाख करोड़ रुपया लगा। कितना? अरे जरा बताइए ना, 1.25 लाख करोड़ रुपया। अब कोई मुझे बताए कहां 500 करोड़ और कहां 1.25 लाख करोड़। ये 1.25 लाख करोड़ रुपया पूर्व सैनिकों के परिवारों के बैंक के खाते में जमा हो चुका है। जब सैनिकों का मान रखने का जज्बा होता है तो काम भी उसी जज्बे से होता है। साथियों, हमारे हरियाणा को भी लूटने में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कांग्रेस के समय में क्या हाल था हरियाणा का। जो मुख्यमंत्री बनता था वो अपने जिले के बाहर नहीं देखता था। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसे लूटने का खुला खेल न चलता हो। आपको याद है ना, नौकरी दिलवाने के नाम पर ये लोग जमीनें बिकवा देते थे। ट्रांसफर पोस्टिंग की तो खुली इंडस्ट्री चलती थी, सड़कें गड्ढों में होती थी, उद्योगों पर संकट आने लगा था। आप कल्पना करिए, अगर कांग्रेस कुछ दिन और रह जाती तो हरियाणा का क्या हाल करती। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने कांग्रेस के पाप धोने में बहुत मेहनत की है। आज हरियाणा में आधुनिक हाईवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। अब न दिल्ली दूर है न चंडीगढ़ दूर है। हम नारनौल वाले सुबह चंडीगढ़ से निकलते हैं और जात करके काम पूरा करके शाम को रात घर पहुंच जाते हैं। गुरुग्राम वालों का तो जीवन ही द्वारका एक्सप्रेसवे ने आसान कर दिया है। इसलिए अब इस पूरे एरिया में नए नए उद्योग लग रहे हैं, रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं गुरुग्राम के युवाओं से भी कहना चाहता हूं, अगले 5 साल ये देश में एक बड़ी क्रांति का समय होने वाला है। आप देखिए कैसे नए नए सेक्टर्स हमारे नौजवानों का भाग्य बदलने वाले हैं। सेमीकंडक्टर सेक्टर, ड्रोन सेक्टर, स्टार्टअप सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ग्रीन एनर्जी सेक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन हब, फार्मा हब,
अनगिनत, और इनमें सबसे इन सब में बहुत से ज्यादा काम मेरे देश के नौजवानों को मिलने वाला है। आपके हर सपने पूरे होंगे क्योंकि आपका सपना ये मोदी का संकल्प है। साथियों, कांग्रेस के विश्वासघात का भुक्तभोगी तो हरियाणा का किसान भी रहा है। यहां उसने किसान को सिंचाई के पानी तक का इंतजाम नहीं किया। हम नहरों को जोड़कर यहां तक पानी पहुंचा रहे हैं। हमारी सरकार हरियाणा में 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है। हमारे भिवानी का किसान बाजरा और किसान का यहां जो बाजरे की खेती है, और हमारा यहां का किसान जो बाजरा पैदा करता है, मेरे प्रिय बाजरे में से वो है। और मैं याद है यहां जब भी आया बाजरे की खिचड़ी अवर खाई,